हाय एवरीवन, सो स्टार्ट करते हैं आज हम एसएचएम का टाइम पीरियड। सो टाइम पीरियड हम सीखने वाले हैं एसएचएम के अंदर, जिसमें बहुत ज्यादा मजा आएगा इस क्लास के अंदर हम लोगों को। सो टाइम पीरियड एक ऐसी चीज है ना, जिसके ऊपर हर बार नेट में क्वेश्चन आता ही आता है। मतलब आप ये मान के चलिए कि या तो एक आएगा नहीं तो दो आएंगे एसएचएम के टाइम पीरियड। अगर ऑसिलेशन से क्वेश्चन आया तो टाइम पीरियड से आने की बहुत ज्यादा संभावना है। ठीक है, सबसे पहले अपने बारे में बता दूं, मेरे को बोलते हैं लोग नरुका सर। एक सेकंड रुक जाओ बस, है ना। मेरा नाम है नरुका सर, दीपेंद्र सिंह नरुका। ये कुछ कुछ बातें लिखी है मेरे बारे में यहाँ पे। सो आगे बढ़ते हैं, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसके ऊपर जुड़ जाते हो अगर आप लोग तो फ्री में जुड़ोगे, पैसे नहीं लगेंगे। और दूसरी बात, इसके ऊपर आप लोगों को जो भी रिलेवेंट डेटा होता है वो यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो अनअकैडमी तीन प्रकार से पढ़ते हैं, एक फ्री में पढ़ते हैं, दो पेड में पढ़ते हैं। फ्री में तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, स्पेशल क्लास में पढ़ लेते हैं और यूट्यूब पे पढ़ लेते हैं, जिसमें डाउट वगैरह की कोई सुविधा नहीं होती है, सिर्फ पढ़ सकते हैं। लेकिन हम पेड की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास प्लस और आइकॉनिक है। आइकॉनिक में हम लोग प्लस में हम लोग लाइव क्लास, वीकली टेस्ट, अनलिमिटेड एक्सेस के साथ कर सकते हैं स्ट्रक्चर्ड कोर्स। इसका ये मतलब होता है कि आपको एक चैप्टर एक बार समझ में नहीं आया, दो बार पढ़ लो, दो बार नहीं आया किसी दूसरे टीचर से पढ़ लो, उससे भी नहीं आया तीसरे से पढ़ लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूं डाउट्स की, तो आप यहां फोटो भेज सकते हो, आपको रिकॉर्डेड सेशन मिल जाएगा डाउट का। लेकिन अगर मुझे चाहिए कि भाई अपन वन टू वन डाउट पूछना चाहते हैं, वन टू वन गाइडेंस चाहिए, पर्सनल मेंटोरशिप चाहिए, जो भी जीवन के दुख दर्द है वो कोई मेरे सोल्व करने वाला हमेशा हो, तो उसके लिए हमारे पास आइकॉनिक है ना। जैसे मान लीजिए कि तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा, तो वो टीचर नहीं बताएगा कि क्यों अच्छा नहीं लग रहा, उसमें आपको पर्सनल मेंटोर चाहिए होगा, है ना। कहीं होता है ना, तो जिसको सर ये समझ नहीं आ रहा, सर पढ़ू कैसे, मेरा डाउट सुनने वाला कोई नहीं है, तो इन सब के लिए आइकॉनिक में मेंटोर आपको मिल जाता है। ठीक है, इसकी जो फीस होती है आइकॉनिक थोड़ी ज्यादा होती है, क्योंकि इसमें इतने सारे दुख आपके सुने जाएंगे तो ज्यादा फीस रहेगी। तो इसकी 58,500 फीस है, मेरा कोड इस्तेमाल करके करने के बाद, वैसे 65,000 है 12 मंथ्स की, 6 मंथ्स की, 18 मंथ्स की, 24 मंथ्स की, अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, आप कुछ भी चूज कर सकते हो। प्लस की फीस काफी कम होती है, प्लस की फीस नरुका टेंट डालने के बाद मात्र 34,650 है एक साल की, 12 महीने की, इसमें 18, 6 महीने, 12 महीने, अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। तो बेसिकली अपने को आइकॉनिक में ये एक्स्ट्रा फीचर मिलते हैं, वन टू वन लाइव, डाउट, फिजिकल नोट्स, ये सब चीजें आपको मिल जाती है। तो भाई अब स्टार्ट करते हैं हमारा एसएचएम का कार्यक्रम, है ना। तो एसएचएम में हम लोग टाइम पीरियड वगैरह पढ़ने वाले हैं। टाइम पीरियड में देखो यार, होता क्या है ना एसएचएम के अंदर, अगर मैं बात करूं तो एसएचएम में जो टाइम पीरियड है इसके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। अब पहली बात तो ये है, क्या एसएचएम का टाइम पीरियड है? देखो कोई भी एसएचएम होता है ना, तो जैसे यहां से शुरू हो रहा है एसएचएम, क्या होता है, कोई भी ऑसिलेटरी टाइप मोशन, है ना, एक पीरियोडिक मोशन बेसिकली जो कंटिन्यूसली रिपीट कर रहा है और ऑसिलेटरी भी है। देखो पीरियोडिक दो प्रकार के होते हैं, पढ़ाया भी आप लोगों को, सॉरी हमारे पास में टाइम पीरियड वाले दो मोशन होते हैं, पीरियोडिक एक ऑसिलेटरी। पीरियोडिक मतलब एक पर्टिकुलर टाइम में अपना मोशन को रिपीट कर रहा है, जैसे मान लीजिए अपनी धरती है, सन के चक्कर लगाती है, 365 दिन में पूरा चक्कर लगा लेती है ना, और हम धरती पे चक्कर लगा रहे होते हैं, पूरा घूम रहे होते हैं बेसिकली, हम 24 घंटे पूरा घूम जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि भाई ऑसिलेटरी, तो जैसे मान लीजिए कि ऑसिलेटरी मोशन जो कंटिन्यूसली ऐसे वाइब्रेशन मोशन हो रहे हो, या ऐसे मोशन हो रहे हो किसी एक ही पॉइंट के अबाउट टू एंड फ्रो हो रहे हो, जैसे हम बस में जाते हैं तो बस चलती है, सर पे रख लेते हैं बस के ऊपर, वैसे हिलता रहता ना, तो वाइब्रेशन बेसिकली जो हो रहे होते हैं सब ऑसिलेटरी में आते हैं। ठीक है, अब वो उसमें बहुत प्रकार के होते हैं, कुछ डैम्पिंग, वो सब हम लोगों को अभी नहीं समझना, अभी हमें सिर्फ इतना समझना है कि भाई एक मोशन हमारा एक्सट्रीम तक गया तो T/4 टाइम लगा, फिर वापस आया तो T/2 टाइम लगा, फिर आगे गया तो T/2 टाइम, T/4 और लगेगा, फिर दोबारा जाएगा T/4 और लगेगा, तब जाके मिला के सारा T टाइम हो जाएगा। मतलब होता है क्या, जैसे मान लीजिए कि भाई मेरे पास में एक स्प्रिंग है, यहां लगा एक ब्लॉक, अब ये ब्लॉक आगे जाएगा एक्सट्रीम तक, फिर वापस पीछे आएगा, यहां तक आएगा, ठीक है, तो गया T/4 टाइम, आया T/4 टाइम, फिर गया T/4 टाइम, फिर आया T/4 टाइम। तो दिस इज द टाइम पीरियड। हमने तुमने इसके लेक्चर 1, 2, 3 में ये चीज पढ़ भी ली, समझ भी ली है ना। मेरा मकसद आपको टाइम पीरियड समझाना है आज के लेक्चर में, एसएचएम का नहीं है। ठीक है, तो टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं वो समझने का प्रयास करते हैं भाई। तो ये कुछ रूल्स हैं टाइम पीरियड निकालने के लिए, जो मैंने अपने हाथों से टाइपिंग करके लिखे हैं। ठीक है, ध्यान समझना इन रूल्स को। इसमें आता है, सबसे पहले वी हैव टू फाइंड द इक्विलिब्रियम कंडीशन, सबसे पहले। तो दूसरी बात है कि डिस्प्लेस पार्टिकल स्लाइटली फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन,
उसके बाद राइट एफ नेट इक्वेशन ऑन डिस्प्लेस्ड पोजिशन एंड कन्वर्ट एफ नेट प्रोपोर्शनल टू एक्स डिस्प्लेसमेंट। अब इसका क्या मतलब है, एक एक करके समझाता हूं, देख ध्यान समझना, बड़ा मजा आएगा, एक बार में हम टाइम पीरियड सीख लेंगे। सबसे पहली बात यह है कि भैया जैसे मान लीजिए कि हमारे पास में टाइम पीरियड हमको निकालने का है, ठीक है, हमको टाइम पीरियड निकालने, सबसे पहले आप इक्विलिब्रियम पोजिशन फाइंड आउट कीजिए। जैसे ये ब्लॉक है, इसका मास है एम, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम पोजिशन का मतलब क्या होता है कि जहां पे नेट फोर्स जीरो लग रहा हो। अब देखो जब भी स्प्रिंग की बातें होती ना तो दो चीजें होती है स्प्रिंग के केसेस में, एक होता है हमारा नेचुरल लेंथ, गेटिंग माय पॉइंट, एक क्या होता है नेचुरल लेंथ, और एक होता है मेरे पास में क्या होता है, एक होता है कि जब मैं इसमें इक्विलिब्रियम पर चला जाता हूं, तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इक्विलिब्रियम एंड नेचुरल लेंथ, इक्विलिब्रियम एंड नेचुरल लेंथ। सर क्या डिफरेंस है? देखो स्प्रिंग की जो ओरिजिनल लेंथ है, जहां पे स्प्रिंग कोई फोर्स नहीं लगा रही होती, दैट इज नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। क्या मेरी बात यहां तक क्लियर है सभी लोगों को? भाई स्प्रिंग जहां पे कोई फोर्स नहीं लगा रही होती उसको बोलते हैं हम लोग नेचुरल लेंथ, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए भाई यहां पे स्प्रिंग कोई फोर्स नहीं लगा रही और इस ब्लॉक को कोई फोर्स चाहिए भी नहीं, भाई जबरदस्ती थोड़ी ना उड़ते फुड़ते इधर उधर जाएगा, वो उसको रखा हुआ है अपनी जगह पर, तो इक्विलिब्रियम में ही है। ओके, किसमें है? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब है कि वो स्टेबल है अभी आज की तारीख में। जैसे मान लीजिए भाई आप बैठे हो तो आप इक्विलिब्रियम में हो ना, है ना, अब इक्विलिब्रियम में हो, अब जबरदस्ती ऐसा तो है नहीं ना कि भी आपको अनस्टेबल हो रहा है वहां बैठे बैठे, है ना। तो इक्विलिब्रियम में जिसको बोलते हैं ना हम लोग, तो अब मैं बात करता हूं इस वाले पोजीशन की बात करना। यहां पे मैंने कहा कि ये स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ थी, समझ में आया, ये स्प्रिंग की आती नेचुरल लेंथ थी। अब जैसे ही मैंने स्प्रिंग पे एक ब्लॉक को टांग दिया, क्या स्प्रिंग ऐसी रहेगी कि लंबी हो जाएगी? लंबी हो जाएगी, सीधी सी बात है भाई, है ना, तो लंबी हो जाएगी। तो स्प्रिंग जो है, जैसे ब्लॉक टांगूंगा अब स्प्रिंग बन जाएगी कुछ ऐसी, ठीक है, तो स्प्रिंग जो है मेरी वो ऐसे लंबी हो जाएगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सभी लोगों को क्लियर है यहां तक? तो कितनी लंबी होगी सर? जब तक वो mg को बैलेंस ना कर ले। काहे बैलेंस करेगा mg को? क्योंकि नीचे लगेगा भाई mg और ऊपर लगेगा kx नोट, ठीक है, क्योंकि जब x नोट खिंच जाएगी ना तब जाके ऊपर kx नोट फोर्स आएगा, और जब kx नोट मेरा mg के बराबर हो जाएगा तब जाके मैं कहूंगा कि ये इक्विलिब्रियम में आई है। ओके, तो स्प्रिंग कहां पर खुशती? नेचुरल लेंथ पर ब्लॉक टांग दिया तो ब्लॉक खुश नहीं था नेचुरल लेंथ पे। ब्लॉक ने बोला कि नहीं भैया मुझे तो नीचे जाना ही पड़ेगा, ठीक है, तो स्प्रिंग ने बोला चला जा, तो उसने कहा नीचे जाएगा तो mg फोर्स लगेगा, अगर mg फोर्स लगेगा तो कुछ ना कुछ ऊपर इसको फोर्स चाहिए रोकने के लिए, तो फिर स्प्रिंग लंबी होगी, स्प्रिंग लंबी होगी तो स्प्रिंग में फोर्स जनरेट होगा, क्योंकि स्प्रिंग अगर अपनी नेचुरल लेंथ से जरा भी चेंज करती है तो उसमें फोर्स जनरेट होता है। क्या यहां तक तुमको क्लियर है अच्छे से? ये चीज हम कहां पढ़ते हैं? ये चीज हम NLM में पढ़ते हैं, क्या न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में, कि स्प्रिंग में अगर जरा भी चेंज आया तो फिर वो फोर्स उसमें जनरेट होता है साहब, तो kx नॉट हो जाएगा, ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, नीचे लगेगा mg। क्लियर है यहां तक? नीचे लगा mg, ऊपर लगेगा kx नॉट, और kx नॉट शुड बी इक्वल टू दिस mg। दिस इज माय इक्विलिब्रियम कंडीशन, जो हमको हर कंडीशन में पता होनी चाहिए। जैसे हमने इस कहा कि फाइंड इक्विलिब्रियम कंडीशन, सबसे पहले अगर तुमको टाइम पीरियड निकालना है ना तो इक्विलिब्रियम कंडीशन निकालो। और मैं आपको बता दूं टाइम पीरियड निकालने का एसएचएम में ये एकमात्र तरीका है। एसएचएम में मैंने बहुत अलग अलग बच्चों को अलग अलग प्रकार से अलग अलग क्वेश्चंस करवाए हैं, बट टाइम पीरियड निकालने का ये एकमात्र तरीका है एसएचएम के अंदर। अगर हमको एसएचएम में टाइम पीरियड निकालना है तो हमको इस रूल को फॉलो करना ही होगा, अदरवाइज सबसे ज्यादा गलतियां करने वाला टॉपिक बन जाता है ये बच्चों का, सबसे ज्यादा गलतियां होती है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, तो इसलिए रूल्स फॉलो करना है, चुपचाप रूल्स फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी टाइम पीरियड निकालने में। नेट में तो वैसे भी लल्लू क्वेश्चन आता है, कोई खास टफ क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन उसमें भी अपने को पता नहीं होता ना तो हम निकाल नहीं पाते फिर, ठीक है। देख समझ, जैसे मान लीजिए कि भाई मैं तुमसे कहूं कि इक्विलिब्रियम कंडीशन निकाल दो, निकाल दी भाई हमने इक्विलिब्रियम कंडीशन, हमने इसकी भी निकाल दी, हमने इसकी, जैसे आप इसकी बात करें तो इसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होगी? कुछ नहीं होगी यार, जो नेचुरल लेंथ है वही इक्विलिब्रियम है। अब ऐसे थोड़ी ना कि चलते फिरते फोर्स लगाएगा, अच्छा ये जरूर है कि ऊपर नॉर्मल नीचे एमजी लगेगा,
अब मैं यहां से आगे बढ़ता हूं, इसकी इक्विलिब्रियम पूछिए, इन भाई साहब की इक्विलिब्रियम जरूर आएंगी। क्यों आएंगी? क्योंकि इसकी नेचुरल लेंथ कुछ यहां हुआ करती होगी और ये अपनी नेचुरल लेंथ से कुछ नीचे खिसक गया और उसके चक्कर में एक्स नोट जो इसमें एक्सटेंशन आया, उस एक्सटेंशन की वजह से ऊपर लगा फोर्स के एक्स नोट और नीचे लगा एम जी। सो द इक्विलिब्रियम कंडीशन इज व्हाट? के एक्स नोट बराबर एम जी। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? पक्के से आया ना समझ में? तो ये दिस इज द इक्विलिब्रियम कंडीशन, दिस इज द इक्विलिब्रियम कंडीशन। मैं एक क्वेश्चन अभी आपसे भी करवाऊंगा तो काफी इजीली आप कर लोगे उसको, है ना, तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा टॉपिक ही। तो भैया सबसे पहले इक्विलिब्रियम कंडीशन लिखनी, लिख दी भाई, इसकी भी लिख दी, इसकी भी लिख दी, इसकी कुछ होगी नहीं, उसकी जो होगी लिख दी हम लोगों ने। अब हमारा काम क्या है, अगला स्टेप क्या है, वापिस आओ, डिस्प्लेस पार्टिकल, है ना, ये काम हो गया। अब अगला, डिस्प्लेस पार्टिकल स्लाइटली फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजिशन। देख होता क्या है ना, जैसे मान लीजिए कि भाई एक हमने क्या करा, इस पेन को लिया, है ना, और मेरे हाथ को रबड़ की तरह बना दिया। अब इस पेन को मैं ऐसे कर रहा हूँ खटाक, ये पेन ऐसे से कर रहा है, दिस इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ हार्मोनिक मोशन या ऑसिलेटरी मोशन, बट वी विल नॉट कंसिडर दिस मोशन एज एस एच एम, क्योंकि एस एच एम की एकमात्र जो कंडीशन होती है ना वो ये होती है कि उसका डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा होता है। एस एच एम होता है एफ बराबर माइनस के एक्स, और उसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है एक्स वो बहुत छोटा होता है। ऐसा नहीं कि तुमने पकड़ के भैया पता पड़ा कि अर्थ को किसका दिया 4 मीटर और फिर अर्थ ऐसे ऐसे से कर रही है, तो वो एस एच एम में नहीं आएगा, है ना। या तुमने मान लीजिए कि भाई तुमने ट्रेन के नीचे की जो बड़ी सी स्प्रिंग लगी होती है ना, वैसे स्प्रिंग किसी बड़े से ब्लॉक पर टांग के उस ब्लॉक को खींच दिया तुमने 4 मीटर और ब्लॉक कर रहा है वहां पर, करेगा तो वो भी मोशन, पर वो एस एच एम में कंसिडर नहीं होगा। गेटिंग माई पॉइंट? तो बड़े बड़े जो ऑसिलेशन होते हैं ना वो एस एच एम में कंसिडर नहीं होंगे। एस एच एम में क्या कंसिडर होगा? छोटे वाइब्रेशन। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है, इसका एक्स बहुत छोटा है। गेटिंग माई पॉइंट? और हमें हमारा जो फोर्स है ना वो हमेशा माइनस एफ के एक्स की पावर 1 आएगा। कुछ चमत्कारी लोग यहां एक्स स्क्वायर निकाल देते हैं, अपने को एक्स स्क्वायर नहीं निकालने का, अपने को हर कंडीशन में एक्स निकालना है। अब कैसे निकालना है उसी पे चल रहा हूं मैं आगे, क्योंकि देख समझ, एसएचएम में क्या होता है कि अगर मैंने फोर्स बराबर माइनस के एक्स अगर मैं इस कंडीशन तक आ गया तो एक्चुअल में जो मेरा टाइम पीरियड होता है ना, देख यहां पर लिखा है ओमेगा, टाइम पीरियड क्या होता है 2π/ω, ओके, एंड व्हाट इज ओमेगा? इट इज गिवन एज √k/m, तो इसको उल्टा कर दे, ठीक है, इसको एक काम कर ऐसे लिख दे m/k कर दे इधर। यहां तक क्लियर है सभी लोगों को? थोड़ा अच्छे सुंदर बनाया था इसको, √m/k, दिस इज माय टाइम पीरियड, टाइम पीरियड बोले तो 2π√m/k। भाई यहां तक मुझे समझ में आ गई बात कि t बराबर 2π√m/k होता है, ओके, क्लियर है यहां तक बढ़िया से? तो t देखो हमारा जो ओमेगा होता है वो √k/m होगा, तो उसका उल्टा हो जाएगा 2π√m/k। अभी k क्या है? अब कुछ बोलते सर k स्प्रिंग कांस्टेंट है, भाई k स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं है, k क्या है? SHM कांस्टेंट है। कौन सा कांस्टेंट है? SHM कांस्टेंट है। ये डिफरेंस अगर समझ में आ गया ना तो SHM समझ में आ गया। K is not a spring constant, K is SHM constant. हाँ जी, so हमारा जो time period है वो क्या 2π√m/k है। यहाँ तक clearly समझ में आ रही है अच्छे से? ठीक है भाई, तो अब मेरा मकसद क्या है? मेरा मकसद क्या निकालना है? K निकालना है, क्योंकि मुझे K मिल गया तो मेरा time period आ जाएगा। अब तुम कहोगे सर छोटे से time period के लिए सर कितनी मशक्कत करनी पड़ रही है? अब चैप्टर पूरा इसी पे निर्भर है, इस चैप्टर में दूसरा कुछ है ही नहीं, इस चैप्टर में बस दो ही चीजें आती है, आइदर वो आपसे इक्वेशन की बातें करता है y बराबर a साइन ओमेगा t, ठीक है, तो वो तुमसे या तो इक्वेशन की बात करेगा, आइदर वो आपसे टाइम पीरियड पूछेगा, बस इस चैप्टर में सिर्फ यही आता है। एग्जाम टफ आया तो टाइम पीरियड पूछेगा, एग्जाम लल्लू आया तो ये चीज पूछेगा, बस बात खत्म। अब तुम कहो सर एग्जाम तो लल्लू आएगा, ऐसा कोई भरोसा नहीं है, 2021 में हमने देख ही लिया, ठीक है, कैसा एग्जाम आया था, ओके, सब लल्लू की इंतजार कर रहे थे लेकिन एग्जाम ने हालतें खराब कर दी लोगों की। तो अब बात करते हैं यहां से, मजे की बात क्या, इसमें भी बच्चों ने फोड़ दिया, 720 में 720 लिया है ना। चलिए तो भाई हम, मेरा मकसद क्या है? मेरा मकसद है के निकालना, ओके, मुझे के मिल गया तो मेरा काम हो जाएगा,
ओके, अब यहां से बात करते हैं, सबसे पहले इस क्वेश्चन में बात करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, देख समझना। इक्विलिब्रियम कंडीशन लिख दी, नाउ सेकंड स्टेप की स्लाइटली डिस्प्लेस करो। सो लेट्स स्टार्ट डिस्प्लेसिंग इट स्लाइटली फ्रॉम द इक्विलिब्रियम कंडीशन। दिस इज द नेचुरल लेंथ एंड दिस इज द इक्विलिब्रियम कंडीशन, बोथ आर सेम इन दिस हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है, इक्विलिब्रियम कंडीशन, वैसे डबल एल नहीं होता, सिंगल एल होता है। ठीक है, सो अभी मैं यहां पे बात कर रहा हूं कि भैया मुझे इक्विलिब्रियम कंडीशन चाहिए, तो मैंने यहां से इसको स्लाइटली डिस्प्लेस किया है, एंड स्लाइटली मतलब एक्स, दिस एक्स इज वेरी वेरी स्मॉल, दिस एक्स इज वेरी स्मॉल, तो दिस इज अ वेरी स्मॉल एक्स। अभी यहां तक क्लियर है क्या? दिस इज वेरी स्मॉल एक्स, मुझको इस एक्स की वजह से इस पे फोर्स लिखना है, नेट फोर्स ऑन द एम। ये कहां लिखा है? ये तीसरे स्टेप में लिखा है, राइट एफ नेट इक्वेशन ऑन डिस्प्लेस्ड पोजीशन। अब डिस्प्लेस्ड पोजीशन में पहुंच गए हैं, तो यहां पे लगाना है मुझको, अच्छा स्प्रिंग क्या फोर्स लगाएगी? स्प्रिंग लगाएगी के एक्स फोर्स, उसके अलावा तो कुछ नहीं लग रहा, सिर्फ के एक्स ही लग रहा है। इसका मतलब मुझे के एक्स के हिसाब से लिखना है, तो भाई मैं के एक्स के हिसाब से लिख दूंगा, के एक्स बराबर वॉट, मैं लिख दूंगा यहां पे के एक्स के हिसाब से, जो मेरा के एक्स था वही एकमात्र फोर्स लग रहा था। तो व्हाट आई विल राइट इज की फोर्स विल बी इक्वल टू माइनस के एक्स। अब तुम कहोगे कि सर माइनस कहां से आ गया? देख समझना, माइनस इसलिए आया भाई, क्योंकि 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 माइनस इसलिए आया क्योंकि यहां पे जो मेरा के है ना, सॉरी जो मेरा डिस्प्लेसमेंट है ना, वो इधर जा रहा है पर फोर्स उल्टा लग रहा है। दैट इज व्हाई वी आर कंसीडरिंग द माइनस साइन विद हियर। ओके, सो एफ बराबर माइनस के एक्स आ गया। अब अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूं कि जो हमारा एस एच एम का फोर्स होता है कि माइन के एस एच एम इंटू एक्स होता है, तो वहां से जो मेरा के एस एच एम आएगा वो के बराबर आएगा, तो जो टाइम पीरियड आएगा वो कितना आता है? 2 पाई टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाय k एस एच एम, तो m बाय k एस एच एम, k एस एच एम कितना आएगा मेरा? के बराबर। अब तुम कहो सही, टाइम पास हो गया, ये कौन सा क्वेश्चन था ना? कुल मिला के मैं kx लिखना था, वो वैसे ही पता था कि स्प्रिंग कांस्टेंट डाल दो, लेकिन भाई ये स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं है, ये इस क्वेश्चन में स्प्रिंग कांस्टेंट के बराबर आ गया वो अलग बात है, लेकिन एक्चुअल में दिस इज नॉट स्प्रिंग कांस्टेंट, दिस इज समथिंग एल्स। ओके, दिस इज समथिंग एल्स। लेट सपोज कि भाई मैं आपके सामने दूसरा क्वेश्चन लेता हूं, ये वाला है ना, मैं आप तुम समझ रहे हो, मैं आपको आपके सामने दो क्वेश्चन एक साथ सोल्व कर रहा हूं, मैंने ये वाला करा, अब मैं आपके सामने ये कर रहा हूं, इसको मैंने आधा पार्ट कर दिया था, इसका मैंने आधे स्टेप लिख दिए थे। नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज वी हैव टू डिस्प्लेस दिस पार्टिकल फ्रॉम दिस पोजीशन स्लाइटली बाय सम एक्स। ओके, सो वी आर गोइंग टू डिस्प्लेस दिस पार्टिकल स्लाइटली, एंड आफ्टर स्लाइटली डिस्प्लेस्ड एक्स, यहां पे जो ये हमारा डब्बा है वो यहां इस पोजीशन पे पहुंच जाएगा, और इस पोजीशन पर देखो एक काम करते हैं, इस डब्बे को मैं इस पोजीशन पे ले आता हूं नीचे की तरफ, और इस पोजीशन पे इस पे लगेगा ऊपर की तरफ कुछ फोर्स, क्या बोल रहे हो, समझ आ रहा है? इस पोजीशन पे फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, कितना लगेगा? देख इस पे लगेगा के एक्स प्लस एक्स नोट, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? स्प्रिंग जो फोर्स लगाती है ना वो इक्विलिब्रियम से नहीं लगाती। बच्चों के जीवन में आधे दुख तो इस बात के रहते हैं कि कभी इक्विलिब्रियम से मानते हो कभी नेचुरल लेंथ से मानते हो, है ना, स्प्रिंग फोर्स नेचुरल लेंथ से लगाती है, और एस एच एम का जो के आता है वो इक्विलिब्रियम से आता है, समझ में आ रहा है डिफरेंस हल्का हल्का? भैया स्प्रिंग फोर्स लिखूंगा तो मैं के एक्स लिखूंगा एंड एक्स विल बी फ्रॉम द नेचुरल लेंथ, पर अगर मैं एस एच एम का लिखूंगा तो इक्विलिब्रियम से आएगा, पर मुझे एस एच एम से क्या मतलब है? मुझे तो इस पर नेट फोर्स लिखना है पहले, एस एच एम का तो अपने आप आएगा जो आना होगा। ठीक है, तो भाई मुझे तो क्या लिखना है? मैंने लिखा स्प्रिंग का ऊपर के एक्स प्लस एक्स नॉट और नीचे आएगा एम जी। सो इफ आई राइट द नेट फोर्स इक्वेशन ऑन दिस पर्टिकुलर ब्लॉक एम, If I write the net force equation on this particular block M, then what will happen is कि यहाँ पे हो जाएगा मेरा mg minus kx plus x naught। यहाँ तक क्लियर है सभी लोगों को? अब तो ध्यान से देख, मैंने इसको क्या करा भाई, मैंने इसको कर दिया mg और यहां लिख दिया kx minus kx naught। ठीक है,
तो ये माइनस के एक्स और माइनस के एक्स नॉट हो गया। अब देख के एक्स नॉट एम जी के बराबर है, ये पहले से अपन ने नाप तोल कर रखा है इसका, तो मैं क्या करूंगा इसको काट डालूंगा। तो काट डाला तो mg से kx नॉट कट गया और ये आया माइनस kx, दिस इज व्हाट f नेट। बहुत समझ में आया कि नहीं आया? f नेट विल बी इक्वल टू व्हाट माय माइनस kx। यहां तक क्लियर है? तो इसका मतलब अब मैं टाइम पीरियड यहां लिखूंगा तो जो मेरा टाइम पीरियड आएगा वो 2 पाई अंडर रूट ऑफ जो फाइनली फोर्स आया ना उसका निकाल के कितना आया। तो सर फिर से के आ गया तो क्या हुआ भाई, आया तो सही है, हमें क्या मतलब है फिर से आ गया कि नहीं आ गया, हमें तो सिंपली लिखना है m by k। अब सोचो अगर यहां पे k की जगह k by 2x आता तो फिर क्या करते, या k by 2 लगाना पड़ता। अगर यहां पे k की जगह का 3k आता तो क्या करते, तो अपने को यहां पे 3k लिखना होता। समझ में आ गया ना मेरी बात तुमको? तो हमको बस वही चीज चेंज करनी होती है हर बार, ठीक है? तो दो क्वेश्चन समझ में आया आपको यहां पे अच्छे से। तीसरा क्वेश्चन पूरा आपको करना है, मैं आपको टाइम दूंगा 3 मिनट, इसको मैं बाद में करवाऊंगा, हाँ पहले ये वाला करेंगे। इस क्वेश्चन को करते हैं पहले अपन, वो जो अगला ये था एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, धांसू क्वेश्चन है, इस धांसू क्वेश्चन को अपन बाद में करेंगे, पहले अपन ये वाला निपटाते हैं। कहा गया ये वाला तुम करो, बताओ, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इन द नेक्स्ट 3 मिनट्स। सारे पॉइंट्स याद रखने हैं, सबसे पहले इक्विलिब्रियम लगाओ, कंडीशन लगाओ, मतलब इक्विलिब्रियम की, ठीक है? उसके बाद मजे करो। अगर तुम इसको कर पाए तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। जल्दी से खत्म कर दो इसको। देखो ऐसा ये कौन सी लेंथ होगी? अच्छा ये नेचुरल लेंथ होगी कि इक्विलिब्रियम होगी? भाई नेचुरल लेंथ तो कहीं और होगी एक्चुअली, है ना? ये एक्चुअली इक्विलिब्रियम कंडीशन ही होगी जहां पे टिका हुआ है, ओके? तो इसका मतलब भाई जो जिस जितने भी एक्स से खींचा हुआ था, दैट एक्स इज एक्स नॉट एंड वी नो दैट दिस फोर्स विल बी इक्वल टू द फोर्स एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन विल बी इक्वल टू एम जी साइन थीटा। ये तो क्लियर है ना? ये कॉम्पोनेंट करने आते सब लोगों को, आते हैं ना? देखो क्या होता है ना, कॉम्पोनेंट ऐसे करते हैं, यहाँ पे इधर नीचे mg लगेगा, mg के दो कॉम्पोनेंट आएंगे, इधर mg साइन थीटा, इधर mg कोश थीटा। दिस mg कोश थीटा विल बी बैलेंस्ड विद दिस के एक्स नॉट, ओके? तो यहां पर लिखूंगा मैं के एक्स नॉट दिस विल बी इक्वल टू mg साइन थीटा। यहां तक क्लियर है सभी लोगों को? तो दिस के एक्स नॉट विल बी इक्वल टू व्हाट है, mg sin theta, ठीक है? पक्का समझ में आया यहां तक? तो ये आ गया इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो आई विल राइट द इक्विलिब्रियम कंडीशन हियर, ओके? तो मैं लिख दी भाई इक्विलिब्रियम कंडीशन। अब मैं क्या करूंगा ना, देख समझना, इसको डिस्प्लेस कर देते हैं ना यहां से, तो मैं जिसको जस्ट डिस्प्लेस कर रहा हूं ना, तो मैंने डिस्प्लेस कर दिया भैया यहां तक, ठीक है? और थोड़ा डिस्प्लेस कर दिया, कितना डिस्प्लेस किया, एक्स कर दिया। तो समझना, जब मैंने इसको एक्स डिस्प्लेस किया ना, तो पहले x नोट था, अब x हो गया, तो टोटल स्प्रिंग ने फोर्स कितना लगाया, k x नोट प्लस है, हाँ बिल्कुल शाबाश। तो अब f नेट जो आएगा ना इस कंडीशन में, वो आएगा mg sin theta माइनस k x प्लस x नोट, ठीक है? यहां तक क्लियर है भाई? पक्का यहां तक क्लियर है? अब तू देख यहां पे कुछ कुछ बराबर आ रहा है, क्या ये के एक्स नॉट एम जी साइन थीटा के बराबर आ रहा है? तो फिर से मैं क्या कर सकता हूं, फिर से मैं लिखूंगा शाबाश एम जी साइन थीटा माइनस के एक्स नॉट, और मैं यहां पे क्या कर दूंगा, मैं यहां पे के एक्स नॉट से एम जी साइन थीटा काट दूंगा और इट विल बी इक्वल टू माइनस के एक्स, एंड दिस माइनस के एक्स विल बी इक्वल टू एफ नेट। और मजे की बात क्या है कि मेरा टाइम पीरियड फिर से सेम आ गया 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बाई के। यहां तक क्लियर है सभी लोगों को? यहां तक क्लियर है सभी लोगों को? पक्का अच्छे से? अबे क्लियर है ना यहां तक? बढ़िया से, कोई दिक्कत विक्कत तो नहीं है ना? चलो ठीक है। तो ये टाइम पीरियड आ गया मेरा कितना, माइनस के एक्स के हिसाब से मेरा टाइम पीरियड आ गया यहां पे। अबे समझ में आ रहा है? पक्का? चलो ठीक है। अब मुझे एक चीज समझ में आई कि भाई चाहे मैं इसको हॉरिजॉन्टल रखूं, चाहे लटका दूं, चाहे टेढ़ा लटका दूं,
हर कंडीशन में टाइम पीरियड सेम आता है, हर कंडीशन में टाइम पीरियड सेम आता है, तो क्यों फर्क फालतू में हर बार सोल्व करो, मुझे याद ही रख लूंगा, सही है कि नहीं? तो मैं चाहूं तो इसको याद रख सकता हूं, हमको बार बार करने की जरूरत नहीं है। देखो तुम हॉरिजॉन्टल रखो, तुम लटका दो, तुम इसको टेढ़ा लटका दो, तुम इसकी जगह चार्ज लगा दो, देख समझ। जैसे मान ले होता क्या है ना, एक सेकेंड, हाँ जैसे होता क्या है, यहां पे होता क्या, जैसे मान लीजिए कि हम क्या करते हैं, एक स्प्रिंग लगाते हैं और उस पे यहां पे, यहां पर हम क्या करते हैं, एक एम मास पे चार्ज क्यू दे देते हैं। अब मास पे तो एम जी नीचे लगेगा, लेकिन अगर मैंने नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी, लेकिन मैंने क्या दे दी, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नीचे दे दी, तो अब मेरे यहां पे नीचे एम जी और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों लगेगी, सही बात है। और उसके कारण जो मेरा टाइम पीरियड आएगा उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भाई पहले के टाइम पीरियड में कहां दिख रहा है कि जी की वैल्यू चेंज करने पे ये चेंज हो जाएगा, तो जी को जी रख, तो टू जी रख, तो पांच जी रख, तो मत रख, क्या फर्क पड़ता है? टाइम पीरियड जो आ रहा है वो तो सीधा सीधा कट जा रहा है जी, तो वैसे भी तो जी की जगह अगर जी प्लस क्यू इंटू ई नॉट बटे एम कर देगा तो भी क्या फर्क पड़ेगा, सही है ना? तो इसका मतलब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में कि यहां पे तुम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो कि तुम कहां रखते हो। ऐसे मान लो कि हम पेंडुलम की बात करते हैं, तो वहां पे आता है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, तो वहां जी चेंज करने पर, जैसे वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया तो जी चेंज हो जाएगा, तो वहां जी चेंज करने पर टाइम पीरियड में चेंज आता है, पर स्प्रिंग ब्लॉक में कोई चेंज नहीं आता। गेटिंग माय पॉइंट? तुम स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को लेट सपोज कि तुमने ट्रक में रख दिया और ट्रक एक्सेलरेट कर रहा है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम उठा के इसको स्पेस में ले गए, अंतरिक्ष में ले गए, चांद पे ले गए, मार्स पे ले गए, कहीं भी ले गए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, समझ में आई मेरी बात अच्छे से? तो भाई ये टाइम पीरियड हो गया मेरा जो कि चेंज नहीं करता है, ठीक है, जो कि एक्चुअली चेंज नहीं करता है, इट विल रिमेन सेम। तो टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बाई के। क्या मेरी बात यहां तक सभी लोगों को अच्छे से क्लियर है? किसी को दिक्कत तो नहीं है? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही जोरदार। एक सेकेंड, हाँ, अब मान ले कि मैंने इसी ब्लॉक सिस्टम को कुछ ऐसे कर दिया कि मैंने यहां पर एम मास था और तुमसे पूछा कि बताइए इसका टाइम पीरियड कितना आएगा, जल्दी बोलो, 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बाई के। बहुत बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया, बहुत ही जोरदार, 2 पाई अंडर रूट एम बाई के कर दिया। अब मैंने कहा कि लेट सपोज कि आई एम चेंजिंग द मास एंड आई एम जस्ट डबलिंग द मास फ्रॉम एम टू 2m, तो जैसे ही मैंने एम से 2m करा, अब बताओ क्या चेंज आएगा, क्या मास डबल हो गया, टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, न्यू टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू 2m by k। बहुत बढ़िया, मतलब टाइम पीरियड जो है वो रूट टू टाइम्स हो गया। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इफ वी चेंज द स्प्रिंग कॉन्स्टेंट टू हाफ देन व्हाट विल द इफेक्ट ऑन टाइम पीरियड, इफ वी जस्ट डबल द मास, इफ वी डबल द मास एंड चेंज द स्प्रिंग कॉन्स्टेंट बोथ देन टाइम पीरियड में क्या फर्क आएगा, तुम दोनों को डबल कर दिया तो क्या फर्क आएगा, दोनों को हाफ कर दिया तो क्या फर्क आएगा, एक को डबल एक को हाफ कर दिया, कर सकते हैं ना? तो चाहे जितने पूछ ले, कौन सी बड़ी बात है, सही है कि नहीं है यहाँ पे? तो भाई आगे बढ़ते हैं, अब हमारे पास में एक क्वेश्चन बचा है इसका, यह है हमारा एनसीईआरटी का सवाल। एनसीईआरटी में देखा भी होगा ऐसे अजीबोगरीब डायग्राम एनसीईआरटी में आते हैं भारी भरकम से। तो भाई इस डायग्राम को दोबारा बनाता हूं मैं यहां पे, देख समझना। मैंने क्या करा, इसको दिस इज द इक्विलिब्रियम कंडीशन है ना, कुछ डिस्प्लेस हो ही नहीं रहा, यहां से मैंने स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया इसको है ना, स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया एक्स, और इस डायग्राम को दोबारा बना रहा हूं मैं। ध्यान समझना, अब की बार मेरी ये स्प्रिंग दब गई और ये स्प्रिंग एक्सटेंड हो गई, बहुत बढ़िया। तो जो दबी है वो धक्का मारेगी, बहुत बढ़िया साहब, धक्का किधर मारेगी, इधर ही मारेगी धक्का, ठीक है। तो ये स्प्रिंग धक्का मारेगी इधर, कितना से केएक्स है, जो खींची है वो खींचेगी, लंबी हो गई ना तो वापिस खींचेगी, तो इधर फोर्स लगाएगी केएक्स, बहुत ही बढ़िया। ओके, तो इधर केएक्स लगा, इधर केएक्स लगा, दोनों जब केएक्स केएक्स लगा तो क्या हो जाएगा, यहां पे फोर्स लगेगा 2 केएक्स, सही बात है।
उसके अलावा तो कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो आई विल राइट द नेट फोर्स ऑन दिस पर्टिकुलर विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ के, सॉरी एक मिनट रुक जाए, माइनस ऑफ के 2x, ठीक है 2x, यहां तक क्लियर है? कितना हो जाएगा एफ नेट बराबर माइनस ऑफ के इंटू 2x, ओके। नाउ आई कैन राइट दैट कि एफ नेट की वैल्यू हो जाएगी मेरी 2 इंटू के इंटू एक्स, तो व्हाट विल बी द टाइम पीरियड, टाइम पीरियड में क्या फर्क आएगा, तो 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाय 2k, यहां तक क्लियर है कि नहीं है? अबे 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाय 2k, तो अब की बार टाइम टेबल चेंज आया, तुम देखो ऐसे एक नहीं है, अगर तुम जैसे नीट के लिए तो ऐसा है, अगर हम जेई के लिए करें ना तो जेई में तो इतने भर भर के सवाल आते हैं टाइम पीरियड पे, क्या बताऊं, स्प्रिंग का तो पता नहीं क्या ही बना देते हैं, है ना, स्प्रिंग ब्लॉक को तो ऐसा बना देते हैं कोई जैसे कोई कोई रश सा कर दिया उसके अंदर, भर भर के स्प्रिंग कहां से स्प्रिंग, इधर से उधर भर भर के स्प्रिंग लगा देते हैं, तो बहुत सारे स्प्रिंग क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर, हमें इतना नहीं करना, हमें कुछ करने हैं, है ना, एक शॉर्ट ट्रिक भी आती है बट वो ठीक है, उस पर क्वेश्चन नहीं आते तो मैं नहीं कराऊंगा उस चीज को, लेकिन ये समझ लो कि हाँ भाई अपने को अगर जैसे यहाँ पे एक है तो ऐसा नहीं कि सॉरी यहाँ पे दो स्प्रिंग है एक ब्लॉक है, जरूरी नहीं है, हो सकता है कि हमको यहाँ पे दो स्प्रिंग की जगह तीन स्प्रिंग लगानी पड़ जाए, और खींचा ना अपन जैसे इसको ऐसे खींचा उसकी जगह अपन नीचे खींचेंगे, तीनों में अलग अलग एक्सटेंशन आएगा, तो ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, गेटिंग माई पॉइंट, समझ में आ रही है मेरी बात बढ़िया से अच्छे से, चलिए भैया बहुत बढ़िया, हाँ तो यहां तक समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं रिड्यूस्ड मास वाले के फॉर्मूले के ऊपर, तो इसमें क्या है कि यार इसका एक पूरा डेरिवेशन होता है बट कोई मतलब नहीं नेट के लिए डेरिवेशन करने का, अपने को उस पर ये पता होना चाहिए कि रिड्यूस्ड मास होता क्या है, कि व्हेनेवर यू सी दैट टू मासेस विद सम वन स्प्रिंग देन यू कैन जस्ट कन्वर्ट द मास टू रिड्यूस्ड मास एंड दिस रिड्यूस्ड मास इज एक्चुअली इक्वल टू एम वन एम टू बाय एम वन प्लस एम टू, बस ये तरह रिड्यूस्ड मास होता है, ओके। एंड इन दिस केस द टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ म्यू बाय के। अब तुमको समझ में आ रहा होगा कि यार एक्चुअली फिजिक्स में कितना कुछ है ना, कहां हम काइनेमेटिक्स और इलेक्ट्रो में उलझे हुए है ना, लेकिन तुम देखो फिजिक्स में कितना कुछ है, और ये तो शुरुआत है भाई, बहुत बड़ी फिजिक्स है, ठीक है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा, इसमें आप लोगों को बहुत कुछ करना है, इसके अंदर हर एक टॉपिक यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जैसे अभी हमने यहाँ पे m बाई के करा ना, तो वहां पे m की जगह म्यू डाल दे, बस खत्म बात है ना, म्यू को बोलते हैं रिड्यूस मास, दैट्स इट, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, क्लियरली समझ में आया, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं यहां से हम, तो अच्छा ये हमारे पास में क्या है ना, कई बार इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं जहां पे एक स्प्रिंग को लगा रखते हैं ऐसे करके, भाई साहब ये कौन सा है, सीरीज कनेक्शन, ये कौन सा है, पैरेलल कनेक्शन, सीरीज में स्प्रिंग जो होती है ना उसको तो एक स्प्रिंग से चेंज कर सकता है के वन प्लस के टू, पैरेलल में के वन प्लस के टू लिख दो डायरेक्टली बस, ओके, टाइम पीरियड एज इट इज चेंज हो जाएगा, अगर यहां पे के और के का था तो टाइम पीरियड टू के हो जाएगा, बट यहां पे अगर k और k का था तो टाइम पीरियड k बाय 2 हो जाएगा, मतलब k बाय 2 चेंज हो जाएगा तो टाइम पीरियड उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, ओके, बाकी सब कुछ विल रिमेन सेम, तो बेसिकली मुझको जो याद रखना है बस वो इस चैप्टर में यही है 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाय k, फिर भी अगर तू किसी टफ क्वेश्चन में फंस जाए तो वो चार स्टेप याद रखना कभी नहीं भूलेगा, ठीक है, कभी गलती होगी ही नहीं, बस उन चार स्टेप को स्टेप बाय स्टेप लगाना, उसमें अपनी बुद्धि लगानी अलग से कि एक काम करता हूं चेंज कर देता हूं, नहीं फिर गड़बड़ हो जाएगी उसके बाद, है ना, तो उसको स्टेप बाय स्टेप ही यूज करना है, तो ठीक है भाई ये हो गई इसकी बातें स्प्रिंग की, अरे कहाँ गया, हाँ ये रहा, सो ये हमारा चैनल है ना, मेरा पर्सनल नहीं है, अनअकैडमी का लेट्स क्रैक नीट यूजी का चैनल है, इसको आप आगे ज्वाइन कर सकते हो, और यहाँ पे आपको क्लास संबंधित नोट्स वगैरह रिलेवेंट डेटा मिल जाएगा, बाकी मैंने इसके बारे में बताई दिया आपको, प्लस और आइकोनिक के बारे में, प्लस में वीकली टेस्ट लाइव क्लासेस स्ट्रक्चर्ड कोर्स अनलिमिटेड एक्सेस है ना, और ये आइकोनिक में अपने को पर्सनल गाइडेंस टेस्ट एनालिसिस एक्सपर्ट की गाइडलाइंस स्टडी मटेरियल प्लानर वगैरह मिल जाता है, तो आइकोनिक में अपने को 1-to-1 लाइव मेंटोरशिप डाउट फिजिकल नोट्स और ये सब चीजें मिल जाती है, और प्लस में आपको जितनी प्लस में चीजें वो सारी सारी आइकोनिक में मिलती है, ठीक है, पर आइकोनिक में कुछ एक्स्ट्रा मिल जाता है, फीस नरुका 10 डालने के बाद 34,650 है और इसकी 58,500 नरुका 10 डालने के बाद है, तो ये सारी बातें हो गई भाई आज के इस लेक्चर के ऊपर, तो आइए जुड़िए समझिए सीखिए मजे लीजिए पढ़ते रहिए
और क्लास को पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद, दिल एकदम ओरिजिनल है, ठीक है। तो बाकी थैंक यू सो मच, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है जितने भी लोग चैनल को देख रहे हैं, और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना है, घंटी मार देनी है, ठीक है। और डाउनलोड कहाँ मिलेगा आपको, नोट्स आपको जाना पड़ेगा उसके लिए टेलीग्राम के ऊपर। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग, जय हिंद।